Hello to family, it's your boy Aleenn. Welcome back to my channel AJ Cam Vlog. आज मैं लाया हूँ नया video. तो बड़े दिनों बाद video बनाने की अलग सी खुशी हो रही है मेरे को क्योंकि बहुत time हो गया. करीबन एक से दो महीना हो गया जगह कि मैंने आप लोगों को कोई vlog नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया. YouTube channel बंद सी पड़ी तो बीच में मैंने थोड़ा बहुत gaming भी चालू किया था. और जिन जिन को नहीं पता जो channel पर नए हैं तो उनको मैं बता दूँ कि now I have shifted from मीरा रोड टू लंडन, बड़ी सिटी में आ गया भाई, वट बन गया. तो अब मैं अपनी सब पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों आया हूँ लंदन. बस एक अपने स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए आया हूँ, सीधा बता देता हूँ, स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए आया हूँ. तो बस अभी आपको यहाँ के व्लॉग्स देखने मिलेंगे. तो कब तकरीबन अभी मैं दो तीन महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिर मैं यहाँ के सब समझ रहा था यहाँ पर कैसा है, कैसा व्लॉग बना सकते हैं, क्या करना है. या कैसा है कि अगर समझो नो कैमरे के ऊपर से क्रॉस मारा हुआ है तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी शूटिंग नहीं, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी फ़ोन से या कैमरे से किसी भी चीज़ से आप शूट नहीं कर सकते. इट्स प्रोहिबिटेड इन दैट एरिया. और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रूल्स है कि अगर समझो कि आप कि किसी पब्लिक एरिया पे भी नहीं बना सकते, मतलब जो है जैसे कोई विजिटिंग प्लेस है तो वहाँ पर आप व्लॉग बना सकते हो. अगर पब्लिक एरिया पर बनाओगे तो आपका व्लॉग बैन हो सकता है और मेरे पे कुछ भी डाम जाने कुछ भी हो सकता है. इंडिया में तो जहाँ हम जगह मिली वहाँ हम घुस जाते थे. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मेरे हर एक दोस्त लोग को जिन्होंने मेरे को अभी तक यहाँ तक मुझे सपोर्ट किया, जितने भी दोस्त लोग जिन्होंने मेरे को यहाँ तक सपोर्ट किया, जिसने भी मेरे ब्लॉग शेयर किए नहीं किए रहेंगे नहीं किए रहेंगे उन सबको एक बड़ा सा थैंक यू कि मेरे को तुम लोग ने यहाँ तक 280 फॉलोअर्स तक पहुँचाया. 280 ये बहुत नहीं होता पर मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मैंने जिस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया नहीं किया कि उस हिसाब से तो मेरे लिए बहुत है वो फॉलोअर्स. तो तकरीबन मुझे लंदन आके अभी एक डेढ़ महीना हो गया. तो ये सब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या है क्या नहीं, पहले खुद तो मैं एक्सप्लोर कर लूँ फिर मैं आप लोग एक्सप्लोर कराऊँ ना. तो वैसे ही तो आज मैं आपको एक जगह पे लेके जाऊँगा. तो जगह का नाम है हंसलो हाई स्ट्रीट. हाई स्ट्रीट मतलब अपने जैसे कि मुंबई में फैशन स्ट्रीट हो गया वैसी कोई स्ट्रीट नहीं रहती, यहाँ पर मिक्स रहती है, मतलब बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ रहती है. तो यहाँ पर आपको मैं वैसे सब मॉल्स को ऐसा दिखाऊँगा. यहाँ पर कैसा है पता है कि दो जगह है, एक 99p और एक पाउंड लैंड. तो आपको मैं ज़रा समझा दूँ यहाँ पे पाउंड चलता है. तो यहाँ पे कैसा है कि स्टार्टिंग विद 1 पेनी, पेनी स्टार्ट होती है पहले, अपने जैसे 25 पैसा आता था पहले के वैसा वैसे यहाँ पे भी है. तो 1 पेनी, 5 पेंस, 10 पेन, फिर डायरेक्ट 50 पेंस, फिर 1 पाउंड, फिर 2 1 पाउंड, 2 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 50 पाउंड. बस 50 के ऊपर कोई बड़ी नोट नहीं है यहाँ पर. तो वैसे ही यहाँ पे ये लोग ने ऐसी शॉप्स खोल के रखी जैसे कि 99p, मतलब यहाँ पे 99 पेनिस के अंदर की ही सब चीज़ें रखी. फॉर एग्जांपल कोई आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी ड्रिंक लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो वो आपको सिर्फ 99p के अंदर पड़ेगी. इंडिया के हिसाब से 1 पाउंड मतलब 85 रुपीज़ होते हैं. तो यहाँ पर 99p के मतलब वही इंक्लूड करके आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना, मेरा इतना मैथ्स अच्छा नहीं है. और एक पाउंड लैंड करके जगह है जहाँ पे सब चीज़ें 1 पाउंड के हिसाब से ही मिलती है, मतलब 1 पाउंड या उससे कम में, पर 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं. फिर बहुत सारी है जैसे कि अपने यहाँ पे ब्रांड फैक्ट्री करके जगह है, पर यहाँ पे है प्राइम मार्क, वैसे ऐसा मॉल है जब ऐसे ब्रांड फैक्ट्री जैसे चीज़ें सस्ती मिलती है. मैं उसके अंदर तो नहीं जा सकती, वहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है. बहुत सारी जगह पर अंदर शूट करना अलाउड नहीं है. तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप लोगों को दिखा सकता हूँ. और ऐसे ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं. और यहाँ पर भाई मैं खुश कब हुआ जहाँ पर मेरे को यहाँ पर वड़ा पाव मिला मुंबई का. तो वो उधर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा सकता हूँ आप लोग को. यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब बहुत इंडियंस है, यहाँ पे इंडियंस है, पाकिस्तानी है. तो यहाँ पे कैसे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी पड़ जाता है. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना कंपलसरी नहीं है, पर इंग्लिश आपको आना चाहिए. अगर आप फॉर एग्जाम्पल किधर बाहर निकले कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो आपको इंग्लिश आना एक कंपलसरी एक चीज़ हो जाती है. और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत और बताता हूँ. तो यहाँ पर बस में ट्रैवल करना बहुत ईजी है. यहाँ पर एक ऑयस्टर कार्ड बनता है इतना सा, उसमें आपको बैलेंस कराने का. तो वो ऑयस्टर कार्ड जैसे ही आप जैसे बस में चढ़ते हो सामने एक मशीन रखा रहता है, उसको टच करना ही पड़ता है, उसके बिना आप नहीं अंदर नहीं जा सकते. वो टच करोगे तो आपके वो बैलेंस में से 1.50 पाउंड ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. फिर आप कहाँ तक भी ट्रैवल करो, आपको 2 स्टेशन भी आगे जाना है या पूरा आगे तक जाना है या सेंटर किधर भी जाना है आपको, तो उतना ही पैसा कटता है. मतलब वो जो अमाउंट है वो उतनी अमाउंट ही कटती है. और वो जो ऑयस्टर कार्ड है दोनों में चलता है, ट्रेन में भी शायद तक चलता है लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, और बस में हर जगह चलता है वो. तो आपको टच करना और इसीलिए आपको अंदर चले जाना. तो मैं फिलहाल बस में नहीं जाऊंगा भाई, वॉकिंग जाऊंगा. तो थोड़ा बहुत आपको दिखाते हुए जाऊंगा और बोलते हुए जाऊंगा. शायद तक मेरे को ईयरफोन लेना पड़ेगा, ईयरफोन देखता हूँ रहेगा तो मैं तो ऐसे ही मैं कम्युनिकेट करूँगा. और थोड़ा बहुत व्लॉग में क्वालिटी ऊपर नीचे होगी क्योंकि मैं अपने DSLR से नहीं शूट कर रहा हूँ, मेरे अपने सैमसंग A7 से शूट कर रहा हूँ क्योंकि समझ लो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़. फ़ोन से यहाँ पे कर सकते हैं, फ़ोन से अलाउड है, पर ऐसे नहीं कर सकते. अगर बहुत सारी चीज़
चलो आपको दिखाता हूँ और आप लोग को थोड़ी बहुत यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। चलो बाहर घूमने चले। तो मैं बाहर निकल गया हूँ घूमने के लिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो दो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पहली यहाँ की सनलाइट, दूसरी वीडियो अच्छा आता है। तो मैं घूमने निकला हूँ, चलते हुए जहाँ पर कुछ 15 मिनट लगेगी, तो 15 मिनट का टाइम लैप्स आप लोग देखने वाले हो नहीं, मुझे तो पता है, फिर कमेंट पे लिखो कि भाई टाइम लैप्स कम कर दे भाई, ये कम कर दे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कम रखने के लिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। 4 मिनट तो आज हो गया स्कूलों का एकदम बुरा हाल, आज हो गया घूरों का बुरा हाल, क्योंकि आज टेम्परेचर जा चुका है 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की गर्मी मतलब माशाल्लाह। तो अपन पहले 2 मिनट के लिए गार्डन में जाएंगे, मैं उधर आके बातचीत करता हूँ आपसे। चलो गार्डन में, तो आपको बैक साइड से व्यू दिखा दो गार्डन का। मैं देखा कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, एसी चालू कर देंगे, पंखा चालू कर देंगे। तो यहाँ के घरों में एसी पंखा ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं साथ इच्छा रख के बात करता हूँ, थोड़ा मेरे को भी जमे। तो यहाँ पे कैसे कि एसी पंखा तो है नहीं, नहीं मजा आ रही है। तो वो लोग अपनी टी शर्ट निकाल के ऐसे रस्ते पर घूमने निकलने आ जाते हैं। आज रियली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ की गर्मी लगती है, क्योंकि लंदन थोड़ा एल्टीट्यूड पर ऊपर है और ये प्लेन जा रहा है ऊपर, वो नहीं दिखेगा किसी दिन आपको, मैं फुर्सत में दिखाऊंगा। यहाँ पे गाड़ियों से आवाज़ से ज़्यादा तो प्लेन का आवाज़ है, ऐसे फुल ऊपर से जाते फू करके। तो ये इधर वैसे कुछ गार्डन है, मैं वहाँ पे रोज़ जिम करता हूँ, आए की बॉडी आ गई है थोड़ी बहुत दिखती रहेगी, तो मैं पूरी दिखाऊंगा मैं आगे घर पे पहुँच के वापस। तो चलो निकलते थोड़ा बहुत घूमने के लिए, एक्सप्लोर करते आज। बहुत ऐसे हिम्मत करके मैंने ब्लॉग बना, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बनाओ के नहीं बनाओ के ब्लॉग छोड़ दो नहीं छोड़ दो, तो बहुत दोस्तों ने बोला भाई ब्लॉग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो मैंने बोला भाई मैं ट्राई करूँगा, जितना हो सकेगा मुझसे मैं करूँगा। और मेरे दोस्तों की मैंने फेवरेट टी शर्ट पहनी AJ वाली, वो तो है अरमानी जी, इसकी पर है मेरे AJ नाम की। तो चलो थोड़ा और घूमते, आवाज़ बैठ गया थोड़ा भाई का। चलो चलते हुए लग गई प्यास, हम पिएंगे कोका कोला। तो यहाँ पे ये आता है 65 पेंस का, मतलब यहाँ के हिसाब से 65 रुपीज़। इंडिया में कितना होता है उसका आइडिया नहीं मिलता, कैलकुलेशन नहीं किया, तो आपको 2-3 मिनट वापस करता हूँ। ओके I'm not afraid to die.
नहीं। तो जो आप लोग जो सब चीज़ें देखी वो थी हम लोग की हाई स्ट्रीट, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रीट। एक मिनट हम लोग इतना घूमे तो अपना अंदर एक्सप्लोर करना, व्लॉग आने में भी टाइम लग सकता है, पर मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी